नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। मेरे प्यारे मित्रों, 2 दिन की करंट अफेयर बिल्कुल तैयार है, लेकिन साहब लैपटॉप की वजह से, क्योंकि लैपटॉप इतना हैंग कर रहा है कि आज भी सेशन में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन टाइप हो पाए हैं, फिर भी मैंने सोचा कि आज तो हम अपने मित्रों के साथ जरूर रूबरू होंगे। कितने भी टेक्निकल इशू आए, देखिए कभी इशू आते हैं, कभी कोई समस्या आती है, लेकिन समस्याओं से लड़ना सीखा है हमने तो बरकरार लड़ेंगे साहब, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साहब छोड़ने वाले भी नहीं है, कितनी भी समस्याएं आएँ। क्योंकि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो समस्याएं दिनों दिन आती हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। कल ही तो मित्रों को पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि भैया ये सऊदी अरब की यात्रा पर गए। जब सऊदी अरब की यात्रा पर गए तो साहब उन्होंने इनको सम्मान दे दिया। सम्मान का नाम है मेरे प्यारे मित्रों, गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित कर दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख लीजिए फोटो साहब, जितना अच्छा हो सकता है मित्रों के लिए हम दिनों दिन प्रयास करते हैं, सिर्फ आपका काम है कि सेशन को शेयर करते रहना। चलिए साहब सऊदी अरब की यात्रा पर चलते हैं मित्रों। मल्टीपल टाइम पर्शियन गल्फ की तो यात्रा कराइए, हाँ साहब बिल्कुल कराइए। ये इंडिया दिख रहा है ना अपना प्यारा सा भारत है, इस जगह पर मेरे प्यारे मित्रों मुंबई है, बधावन पोर्ट सुना है आपने, यहाँ से आते हैं अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान मिल जाता है सामने, हाँ साहब बिल्कुल मिल जाता है। इधर है फारस की खाड़ी, UAE याद करिए, यहाँ पर IPL खेला गया था। इसके बाद छुट्टा सा कतर है, इसके बाद साहब बहरीन है, ये है मेरे प्यारे मित्रों कुवैत, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी। सऊदी अरब ये रहा साहब, यहाँ पर आए इन्होंने सम्मान पा लिया है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, और भैया किंग सलमान को कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि सेशन छोटा है भैया, बार बार प्रयास करने के बाद दिक्कतें आ रही हैं, तो इस वजह से हम जल्दी ख़त्म करेंगे। 4 ही सवाल टाइप हो पाए साहब, आगे बंद ही कर दिया, टाइपिंग ही होना बंद हो गई। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं साहब? बिल्कुल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे वाले साहब, दवा बनाने में तो नंबर पहला है ही, दवा बना करके बांग्लादेश को देगी साहब, इस वजह से समझौता कर लिया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। मित्रों को सुना सुना तो लग रहा होगा बांग्लादेश, क्योंकि मल्टीपल टाइम चर्चा की है ना साहब बांग्लादेश के साथ, हाँ की है ना, करेंगे आज भी। शेख हसीना जुल्फों वाले कौन नहीं जानता है। इधर से प्यारी सी नदी गंगा आती है मित्रों, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं, लेकिन नाम अलग अलग है साहब। बांग्लादेश के लोग है ना, अलग का ही नाम तगड़ा रखते हैं, हम नहीं कहेंगे साहब गंगा को गंगा, क्या कहोगे साहब? पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को मेरे प्यारे मित्रों जमुना के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना साहब, किसी भी नाम से पुकारो, रहेगी तो नदी। ऊपर से आती है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी भी इसमें मिलती है, लेकिन यहाँ देखिए मेरे प्यारे मित्रों दोनों नदियाँ मिलती हैं, आगे बहती हैं, बिल्कुल बहती हैं। इधर से आ रही थी साहब मेघना नदी, जब ये मेघना मिल जाती है उसके बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, हाँ साहब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ना, उस जगह पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है साहब, दलदली भूमि है, दलदली भूमि में जो वनस्पति पाई जाती है ना उसकी जड़ें साफ श्वास लेने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें ही श्वास लेती हैं, श्वास के चक्कर में ऊपर निकल आती हैं साहब, जब ऊपर निकल आती हैं तो उन्हें हम न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पॉइंट भी नोटेड, याद कर लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी में, कैसी जड़ें हैं साहब, दलदली हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना।
बांग्लादेश में एक अभी आइलैंड पड़ा था जिसका नाम था वासड़ चार आइलैंड, याद कर लेना मित्रों। बसाया था म्यांमार से जो रोहिंग्या आएंगे ना उनके लिए, साफ बसाने के लिए जगह बांग्लादेश ने एक आइलैंड बनाया है, उसका नाम है भासड़ चार आइलैंड। बांग्लादेश की राजधानी सब जानते हैं मित्र ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फों वाली, कौन नहीं जानता है साहब उनको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। लो भैया गजब का काम कर दिया है साहब, शादी समारोह में जाएंगे तो पहले आपको डिजिटल पंजीकरण कराना पड़ेगा, ऑनलाइन भैया फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ऐसा काम गुज्जू भैया ने कर दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुजरात तो आपको मित्रों मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, बताइए क्या जानते हैं। अरे वो ही तो गुजरात है जिसके बारे में अच्छे से जानते हैं। गुजरात में अभी यहाँ फेरी चलाई थी मेरे प्यारे मित्रों, रूपैक्स फेरी, ठीक है ना, ये कच्छ का रण गल्फ ऑफ, ये मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। गुजरात के बारे में साहब, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। गिरी गुजरात में है साहब, गिरी फॉर गुजरात, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी इसी यहीं पर गिरती आ करके, उकाई बांध, काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, कदाना बांध माही नदी पर, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, धारोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। गुज्जू भैया से करंट अफेयर बहुत सारी है। गिरी का राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, कांडला बंदरगाह यहीं पर एक ज्वारी बंदरगाह, इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, परीक्षा में छपेगा कांडला बंदरगाह। जिंक स्लेमटर संयंत्र दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जस्ता गलाने वाली फैक्ट्री लगा दी है साहब। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किसने किया है, गुजरात ने। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में भी पहला स्थान किसका आया है, गुज्जू भैया का। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक गुजरात ने पास कर दिया है, कई तो जानकारी गुजरात के बारे में पड़ी है, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर नहीं आ पाओगे भैया, रोक लगा दी है। सुन लो भैया महाराष्ट्र वाले लोगों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपकी जीन्स और टी शर्ट जो पहनते हैं ना, रोक लग चुकी है। सरकारी दफ्तर में जाओगे तो साहब उसी वर्दी में जाओगे जो सरकार अलाउ करेगी, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिविल में जाओगे ना, महाराष्ट्र की तो बात ही निराली है साहब। महाराष्ट्र में अभी तो पढ़ाया ही था, बदावन पोर्ट यहाँ बन रहा है, मुंबई हाई यहाँ पर है। महाराष्ट्र मेरे प्यारे मित्रों ये रहा प्यारा सा, गुजरात से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, तेलंगाना से लगाता है साहब, कर्नाटक से लगाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था तो महाराष्ट्र में, इधर साहब छुट्टा सा गोवा से भी सीमा साझा कर लेता है। सपने पूरे होने के बाद चलेंगे ना मित्रों के साथ गोवा घूमने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 है। लोनार झील याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। सिर्फ भोजन थाली कहाँ पर फेमस थी, महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ चलाया गया था, महाराष्ट्र में। खुली बीड़ी सिगरेट पर रोक कहाँ लगाई गई थी, महाराष्ट्र में। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना कहाँ पर थी, महाराष्ट्र में। लोनार झील रामसर साइट में शामिल है, रामसर कैस्पियन सागर के नज़दीक वाला स्थान है, आर्द्र भूमि के लिए ये रामसर साइट में शामिल किए जाते हैं। लोनार झील मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, मल्टीपल टाइम देख लेना, परीक्षा में छपने वाली है, ठीक है ना। यह दिसंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है। मेरे प्यारे मित्रों कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, आपका परिवार है साहब, सुझाव देना आपका भी फर्ज है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि सेशन में हम टाइप भी नहीं कर सकते थे, आगे राजो इसके जो दिवस है मेरे प्यारे मित्रों टाइपिंग ही बंद हो चुकी थी, इस वजह से मुझे ये सेशन रोकना पड़ा, मजबूरी, ठीक है, हमारी भी है, समझते हैं आप मेरे प्यारे मित्रों।
ठीक है, तो आपका प्यार है साहब ये पूरा का पूरा हम पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। मैं आज इसको सही करा करके फिर कल से धुआंधार तरीके से 10 सवाल की सीरीज चलेगी। आज पहली बार ऐसा हुआ है साहब कि टाइपिंग दूसरे फॉन्ट में होने लगी है, उर्दू सी पता नहीं क्या ही लिखा जा रहा है साहब। ठीक है ना, मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।